बिहार में काबा, बिहार में IHM हाजीपुर बा। हेलो एंड वेलकम टू IHM सॉल्यूशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, IHM हाजीपुर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा IHM हाजीपुर में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। यहाँ पर आपको वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रिकेट भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। जो ग्राउंड है वहाँ पे क्रिकेट भी खेला जा सकता है। वाईफाई की फैसिलिटीज़, इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। जो डॉक्टर है यहाँ पर, वो वीक में ट्यूसडे एंड फ्राइडे को यहाँ पे विज़िट करता है, तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरह से प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स डे आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज करती है यहाँ की एक क्लब, जिसका नाम है द हॉक्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक कल्चरल क्लब भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है हैंगआउट्स। और ये क्लब डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं कॉलेज के अंदर इस क्लब में जाकर या इस क्लब से जुड़कर। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पे एक और क्लब देखने को मिलता है, सोशल क्लब, जिसका नाम है द हेल्पिंग हैंड्स। और ये क्लब जो है वो सोशल जो भी वर्क्स रहते हैं उससे जुड़ा हुए काम करता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड डोनेशन, डेंटल चेकअप एक्सेट्रा। तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप इन तीनों क्लब में से किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज़ के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया हॉस्टल आपको देखने को मिलता है, जो कि इन कैंपस ही है, मतलब जो कैंपस का बाउंड्री रहेगा उसके अंदर ही आपके हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल प्रोवाइड किए गए हैं और गर्ल्स के लिए भी सेपरेट हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल हॉस्टल की, तो यहाँ पर बॉयज़ के अंदर टोटल 200 की ऑक्यूपेंसी प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो यहाँ पे 50 गर्ल्स की ऑक्यूपेंसी की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, हॉस्टल के अलॉटमेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी जाती है वो गर्ल्स को दी जाती है, यानी कि जितनी भी गर्ल्स एडमिशन लेंगी सबसे पहले उनको पूरी तरह से हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद जो भी बचे हुए रहते हैं फिर वो बॉयज़ को मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें IHM हाजीपुर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लगने वाली कॉलेज फ़ीस के बारे में। तो अगर मैं BSc की बात करूँ तो यहाँ पर BSc का टोटल इनटेक 285 सीट्स का होता है, और यहाँ पर एक साल की फ़ीस आपको 110,000 के आसपास पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं टोटल BSc के तीनों साल की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 3.3 लाख से लेकर 3.4 लाख तक पे करने पड़ जाएंगे। वहीं अगर मैं MSc की बात करूँ तो यहाँ पर MSc जो है उसके 30 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, और उसकी फ़ीस 1.8 लाख से लेकर 2 लाख तक आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 2 कोर्सेज में है, उसकी फ़ीस टोटल आपको 50,000 to 60,000 पे करनी पड़ जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पर कॉलेज के अंदर में मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। स्कॉलरशिप की फ़ायदा उठाने के लिए आपको बहुत अच्छी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं और बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है तो इसके अंदर आपकी 50% ट्यूशन फ़ीस जो भी ली जाती है वो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में मिल जाती है, यानी कि आपका ट्यूशन फ़ीस का हाफ अमाउंट ही आपको कॉलेज को पे करना पड़ता है, हाफ अमाउंट आपको वापस रिटर्न मिल जाता है इस स्कॉलरशिप के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है और ये ओपन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी डिटेल्स आपको कॉलेज से लेनी होंगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में IHM हाजीपुर बहुत ही बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है लाइब्रेरी, जिसके अंदर टोटल 3,081 किताबें जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, यानी कि 3,081 बुक्स आपको लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगी। यहाँ के क्लासरूम्स हैं वो बहुत ही बड़ी हैं और एयर कंडीशनड हैं। क्लासरूम्स के अंदर में
50 टू 70 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर लैब्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि टोटल 50 सिस्टम्स लगा रखे हैं कॉलेज ने। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रंट ऑफिस लैब देखने को मिलेगा, हाउसकीपिंग लैब देखने को मिल जाएगा। यहाँ का ऑडिटोरियम भी है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर मैं खुद भी विज़िट कर चुका हूँ ऑडिटोरियम में, बैक इन 2016 जब मैंने कॉलेज में अपने एडमिशन लिया था IHM चेन्नई में। यहाँ के ऑडिटोरियम की बात करूँ तो यहाँ पर एक साथ 250 स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में एक साथ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 किचन देखने को मिल जाएंगे, 2 रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, हॉस्टल जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेस भी है, वो भी आपको देखने को मिलता है कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में IHM हाजीपुर के अंदर अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिलने वाली प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ की प्लेसमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमेशा 90 to 100% जाता है। अगर मैं यहाँ के लोएस्ट पैकेज की बात करूँ तो लोएस्ट पैकेज आपका 1.8 लाख के आसपास देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ के एवरेज प्लेसमेंट पैकेज की बात करूँ तो वो आपको 230,000 से लेके 240,000 तक देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करूँ तो ये 6.5 लाख तक गया था पिछली बार। ये सभी डेटा जो है दोस्तों, ये मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ जो कि कॉलेज ने खुद प्रोवाइड किया है। तो यहाँ की प्लेसमेंट्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 2016 जब मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था। उस टाइम पे ये कॉलेज इतना अच्छा नहीं था और ये हमेशा टॉप 15 के बाद ही आता था, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 21-22 IHMs हैं उसके अंदर इसकी रैंक हमेशा 15 के बाद ही आती थी। लेकिन अभी के सिनेरियो में काफ़ी ये चेंज हुआ है, इसकी रैंक भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। इसकी टोटल ऑल IHMs में अभी रिसेंटली जो 2022 में रेटिंग्स दी गई थी उसमें इसकी 8th रैंक आई थी ओवरऑल इंडिया। बिहार के अंदर में नंबर 1 होटल मैनेजमेंट कॉलेज IHM हाजीपुर को रैंक मिल रखी है। तो इस कॉलेज ने बहुत ही सिग्निफिकेंटली अपना इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो अगर आपकी रैंक इन रैंक्स के आसपास है तो आप IHM हाजीपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कॉलेज आपको अगर मिल जाएगा तो आप इन सारी फैसिलिटीज़ और इन सारी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कॉलेज के अंदर जो स्पेशल चीज़ें जो देखने को मिलती हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ का जो फूड है जो प्रोवाइड किया जाता है आपको, जो मेस के अंदर फूड है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होगा आपका और बहुत ही बढ़िया टेस्ट का रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो BSc के अंदर जब आप एडमिशन लेंगे तो आप वेजिटेरियन कोर्स के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हॉस्टल्स के अंदर एक रीडिंग रूम भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ये रीडिंग रूम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर हॉस्टल्स के अंदर फ्री में जो वाईफाई कॉलेज का है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इंटरनेट स्पीड जो होगी वो बहुत ही स्पीड आपको हॉस्टल्स के अंदर भी मिल जाएगी। तो ये एक एडेड एडवांटेज है जिसका यूज़ आप स्टडीज़ के अंदर कर सकते हैं या दूसरी किसी भी चीज़ के लिए इंटरनेट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यहां पे क्लब्स भी बने हुए हैं जहां पे आप ज्वाइन करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी आपको कॉलेज के अंदर, और स्टेशनरी स्टोर भी है वो भी कैंपस के अंदर ही मौजूद है, यानी कि अगर आपको कुछ भी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए तो बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बैंक भी देखने को मिलता है, इलाहाबाद बैंक, ये भी कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर ही है और यहाँ पे आप अपने बैंकिंग की सुविधा यानी कि बैंकिंग की फैसिलिटीज़ भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो IHM हाजीपुर की प्लेसमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है और साथ ही में यहाँ पर वेजिटेरियन कोर्स आपको देखने को मिलता है। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।